करते थे और सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। अभी अचानक उन्होंने लोगों को फोन करना शुरू कर दिया है और उनसे कहा है कि किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करना है। आइए। समझ नहीं आ रहा कि इनके मन में है क्या। पूरा सुनिए। क्या बात घोषणा किया था कि दिनकर जी को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा के बाहर हम आत्महत्या करेंगे और इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और कृत संकल्प थे। मतलब यही बताने जा रहा हूँ, हमें बताने दीजिए। तो भाइयों, आत्मदाह करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक दिनकर जी के बारे में कुछ कड़वी और कसैली सच्चाई पता चली। जिससे उनका असली चेहरा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिस व्यक्ति को हम सच्चाई और अच्छाई की प्रतिमूर्ति मानकर चल रहे थे, उसका पीछे का चेहरा इतना विकृत और विषैला निकला। उनकी काली करतूतें इतनी घिनौनी निकली, जिसे हमारा जैसा व्यक्ति अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। एक मिनट, क्या उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं? कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं? सीधा सीधा काम की बात कीजिए। सच्चाई क्या है आप ये बताइए, गोल मोल बात मत कीजिए। अरे जितना आश्चर्य आपको हो रहा है, उससे भी गहरा आश्चर्य हमें भी हुआ था जब उनके बारे में ऐसी विकृत बातें हमें सुनी। लेकिन क्या करें, सच तो सच ही होता है। वही बता रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए। और ऐसी कुछ सच्चाइयों को जानने के बाद ही हम दोनों ने फैसला किया है कि जिस व्यक्ति का कोई अपना ईमान धर्म ही नहीं था, उसके लिए हम आत्महत्या नहीं करेंगे। और ऐसे कुत्सित व्यक्ति के लिए हम कभी भी और संघर्ष नहीं करेंगे। ये हमारा सम्मिलित फैसला है और हम इसी पर कायम रहे। एक मिनट, कुछ भी मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं। क्या जानते हैं दिनकर के बारे में आप? हर वक्त उनके साथ मैं रहा हूँ, शर्म नहीं आती आपको ये सब बातें करते हुए? आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है मुझे। देखिए, हम ऐसी बातें बता नहीं सकते। एक मरे हुए व्यक्ति की लाश को, सड़े हुए बदबू को समाज में चारों तरफ फैलाना, ये हमें गवारा नहीं देता। क्या बोल रहे हो? वही बता रहा हूँ आप लोगों को। उस आदमी की सच्चाई जानने के बाद हम लोगों ने फैसला किया कि हम आत्मदाह नहीं करेंगे। आप खैर, जो हो गया वो हो गया और हमें जो कहना था वो कह दिया। आगे हमें कुछ नहीं कहना है। कुछ भी बोल रहे हैं दिनकर जी के बारे में, क्या जानते क्या है वो दिनकर के बारे में? तो ठीक है, तो हमको याद नहीं रहता, तुम फोन कर लेना। चलो तो पड़ा 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 भाई। भैया जी, आपके लिए एक और चिट्ठी आई। चिट्ठी? चल बाड़े करो, बुला के दादा। ठीक है। बिंदा जी, हम पलके बिछा के आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप नहीं आए। लगता है हम ही में कोई ऐसा कमी है कि आपका दिल नहीं जीत पाए। खैर, अब तो हमको आपके आने का कोई उम्मीद भी नहीं रहा, लेकिन इस दिल को हम कैसे समझाएं? 16वां लगे 3 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई हमारे मन को नहीं समझ पाया। इस जिंदगी में अब शायद आपका दीदार नहीं हो पाएगा। 2-4 दिन में बम्बई से कोई सेठ आने वाला है, लगता है अब आप उसके साथ हमको चला जाना ही पड़ेगा। हमरा से तो ऐसा कोई बातें नहीं हुआ था, क्या लिख रही है? ए मुरारी। जी भैया जी। इधर हो, सीमा कुमारी को जाके कह देना महफिल सजा के रखे, शाम 7 बजे हम आ रहे हैं। अच्छे से करना। ठीक है, जाओ। पता नहीं विधवा कहाँ चल गया है बिना बताए, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अरे प्रताप। हाँ भैया जी। अरे
कावत है भैया जी, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बिंदा के बारे में कुछ जानकारी है। तू हंस कह रहा है? हम ये टेंशन में चल रहे, तुमको हंसी आ रही है? मानेंगे एक तबड़क भैया जी। कहा हमको पता है, लेकिन आप किसे बताइएगा मौत? कहाँ कहाँ गया? बिंदा भैया चमकी बाई के कोठा पे गए। चमकी बाई के कोठा पे वो क्या करने जाएगा? अरे बड़ा खास निमंत्रण आया था वहां से, सीमा कुमारी का। आज रात उन्हें गुजारेंगे उन्हीं के कोठा पे, उन्हीं के बिस्तर पे। और भी क्या है ना भैया जी, मुंह सुन के देख लीजिए, एक बूंद नहीं पिए हैं। तो फिर ये अनशन काहे को बक रहा है? और ये बिंदा वहां का करने जाएगा चमकी के कोठा पे? रजन लाल का जूठन खाने? अरे सीमा कुमारी को ऐसा वैसा मत समझिए भैया जी। अरे वो तो गुलकंद की गिलौरी है गिलौरी, ओकर पीक के मिठास इतना जल्दी थोड़ी खत्म होगा भैया जी। ये तुमको कैसे पता है? अरे सबको मालूम है भैया जी, कई दिन से इस बाजी वाली चिट्ठी चल रही है। और वो मुरारिया तो लाला की चिट्ठिया देता है, सुना है बड़े इश्क बाजी वाली चिट्ठी भेजी रही सीमा बाई। कोई बात गलत हुआ तो आपके जूता और हमारा सर। बेटा हम तो जूता मरवे करेंगे, वो बिंदुआ है ना खोपड़ी खोल देगा गलत हुआ तो। अगर ये बात सच निकलता तो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और क्या तो भरोसा रखे भैया जी, अरे आपके संग हम गद्दारी थोड़ी करेंगे। न्यूज एकदम पक्का है, बिंदा भैया इस समय सीमा जी के बाहों में पड़े होंगे। जाओ जाओ। अच्छा भैया जी बिंदा अपना इज्जत तो है नहीं, इसको चला घर का भी इज्जत डुबाने चला। आने दो, साले के बाद सबके सामने नंगा करके रखते हैं। हम आ गए हैं 7 बजे। अरे हुजूर आप हमरे दरबार में? का कहें, हमरे दरबार के तो भाग ही खुल गए। अरे वो सीमा बेटी, सीमा देख तो बेटी कौन आए हैं। हमरे बेटे तो पागल हैं आपके पीछे। सीमा बेटी देख कौन आए। तुम गए थे ना अम्मा, वो आएंगे। अरे बेटी अब तो आ गए ना, खुशी का दिन है। चल जा लेकर उनको बेटा। हम आ गए ना। वो जो नाच तैयार किया था वो दिखा दे, चाय पानी लेकर आ सड़क के। का कहे बिंदा बाबू, हमारी बेटी तो आपके लिए इतनी पागल है कि एक नया गाना खास आपके लिए तैयार किया है, अभी लो सुना देती हूँ।
के होश खो बैठी, एकदम बड़ा मजा आया। मजाक कर रहे हो? अरे 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 बिंदा बाबू, सामान को हाथ लगाने से पहले मोल भाव तो कर लीजिए। क्या कर रही हैं जंकी भाई? अभी सीमा रानी कोई मोल भाव की चीज है? एकदम अनमोल है, अनमोल। बिल्कुल सही कहे आप, असली हीरा का परख तो जौहरी कर सकता है, और हमारी बेटी सीमा एकदम अनमोल है। क्या सोच रहे हैं, निकालिए 10,000 रुपया। 10,000? अरे इतना बड़ा आदमी होके 10,000 का नाम सुनकर चौंक गए? अरे आप जैसे बड़े आदमी तो एक पॉकेट झाड़िएगा तो 50,000 रुपया निकल जाएगा। अरे सोच का रहे हैं, झाड़िए ना पॉकेट। अरे पैंट टाइट पहने हुए है ना, तो इतना पैसा कैसे पॉकेट में रखाएगा? पॉकेट टाइट है तो फिर ठीक है। जो उन दिन आप ढीला पॉकेट वाला पैंट पहन कर आएंगे ना, वही दिन हमारी बेटी सीमा मिलेगी आप। ये चंकी भाई, हम पे भरोसा नहीं है, हम महाराजगंज के राजा हैं। राजा बहुत राजा महाराजा आते हैं यहाँ पे, लेकिन जाते हैं गुलाम बनकर। ये चंकी भाई, आज के रात हमको मत, हम पे भरोसा करो। हलवाई से मिठाई खाने के बाद किसी को पैसा देने को मन करता है का? हाँ, और फिर ये गली का तो उसूल है कि आज नगद और कल उधार। सिमरानी, तुम्हें ना प्रेम का संदेशा भेजी थी हमको, तुम्हारे सामने हमरा इंसल्ट हो रहा है। हमरे खातिर आपका 10,000 भी नहीं दे सकते? तुम्हारे खातिर जान दे देंगे, 10,000 का चीज। चमकी भाई, सीमा रानी को संभाल के रखिएगा, कल है पैसा लेके आएंगे। अरे अरे हुजूर, चप्पल तो पहन कर जाइए। अरे तो हम जाते हैं, कल है आएंगे। सीमा रानी, अच्छा ठीक। हाँ अम्मा, ये तो फंसा, लेकिन आपने बस 10,000 का ही मांगा, 50,000 का ही नहीं। अरे देखती तो जा क्या होता है आगे, एक बार फंस जाए तो बकरे को धीरे धीरे हलाल करना। तुम्हारे साथ हो, मदद करना चाहती हो, तुम्हारी इसलिए आई हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। अपने मैं हमेशा मेरी मदद की, मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन
लेकिन मैं इंदर से शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन मैं इंदर से शादी नहीं करूंगी। पागलो हाँ? ऐसी बातें कर रहे हो? कौन बोल रहा है तुम्हें इंदर से शादी करने के लिए? हाँ बोलो, कह तो कहने दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, लड़ रही हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं किस किस से लड़ेंगी आप भाभी, किस किस से लड़ेंगी? मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है आपको, सब जानते हो। कुछ नहीं होगा, मेरा उधर मुझसे दूर जा चुका और अब मैं जाऊंगी। पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस सब फसाद की जड़ मैं ही हूं ना। थप्पड़ मारूंगी अंदर ऐसी बात करेगी तो। कुछ नहीं होगा भाभी, मत बात कीजिए। जान देने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई सलूशन नहीं है जान देने से। देखो इधर, देखो इधर। हाँ भरोसा ना मुझ पर? जरा भी भरोसा नहीं तुम्हें? अगर इतना सा भी भरोसा है ना तो विश्वास रखो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। जहां तुम्हारी मर्जी वहीं शादी करेंगे। कुछ नहीं हो सकता भाभी, मेरी शादी वही करवाएंगे। तुम्हारी शादी करवाने के लिए इन लोगों को मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। बिंदा जी, बिंदा जी, कहाँ चोर की जैसे घुस के सूत गया? तो कैसे आके सोए? कैसे आके सोए? तो कहाँ गया था रात भर? कहाँ था अभी? तुम हमारा बाप है, ये तुमको सब हिसाब देंगे। ए, बाप की बात मत करो। वो जिंदा होते ना तो खुद लग जाते तुमको। साला झूठा पत्थर चाटने गया था और वो रज्जा ललवा किया हुआ है। ए? रज्जल लाल का इतना औकात है कि सीमा रानी को हाथ लगा सके? रज्जल मुंह में बकंदर खाने चले मलपुआ। अरे सीमा रानी बस हमरी है हमरी, कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता, समझे? अच्छा मतलब हमारे राजकुमार बिंदा बाबू का मन जो है सीमा रानी के जवानी के जलवा में फंस चुका है। का है? तुमको भी उसका जवानी का जलवा देखने के लिए लाट टपक रहा है। अरे तुम बोलता काहे नहीं कि तुमको इस सीमा रानी से प्यार था, लेकिन वो अपना दिल कुर्बान दी बस हम पर। किसका दिल किस पे आया है अभी दीदी को जवाब देना। तुमको धमकी दे रहा है, अगर ये बात दीदी तक पहुंच गया ना तो दीदी तक यो बात पहुंच जाएगा कि तुम यही बोला था कि दुलारी देवी के साथ गद्दारी करेंगे। और कहीं नहीं रहा है, तुम बोला था ना हमको कि तुमको दीदी की नियत पर शक है, इसलिए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। जो तुम चेहरा है ना दीदी के सामने दिखाने लायक नहीं रहो। जाओ लग रही दुल्हन के जोड़े में।
तुझे इसी दिन का इंतजार था। आओ फिर गल लग जाओ। ये दुल्हन का जोड़ा तुम्हारे लिए नहीं है उदय। क्या बात कर रही मेघा, ये सब मेरे लिए नहीं। कुछ खत्म हो गया उदय, हमारा प्यार, हमारी खुशियां, और तो और आज मेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं हुआ मेघा, कुछ नहीं होगा हमारे प्यार को। मैं हूं ना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। योर माइन, तुम सिर्फ मेरी हो मेघा। चल तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा उदी, क्योंकि मेरी शादी होने जा रही है। कुछ ही देर में मैं इंद्र की पत्नी बन जाऊंगी, तुम मेरे लिए गैर हो जाओगे। ये क्या कह रही हो मेघा? देखो जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, हम दोनों एक दूसरे से कभी गैर नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कभी गैर नहीं होने दूंगा, मैं बता रहा हूं तुमको। बहुत देर हो चुकी है उदी, मैं जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए। मेघा, मेघा मुझे छोड़कर मत जा। मेघा, मेघा प्लीज, मेघा कुछ नहीं होगा हमारे प्यार को, मैं कह रहा हूं। मेघा तक जग रहे हो, परेशानी है क्या? बताओ हमको। बताऊं आपको? वो देखो ना, पहले जिसको मैं बताऊं, होगा रिश्ता मेरी मां के साथ आपका, मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। गुस्सा नहीं होना भी चाहिए, तो कोई ऐसा काम नहीं किए जिससे मामा कहलाने का हक मिले। रिश्ता का धर्म भी नहीं निभा पाए। ठीक है, मामा मत कहना आपको, मामा कहलाने के लायक नहीं है। देखिए, अपने मगरमच्छ के आंसू कहीं और जाके बहाइए, मेरे सामने बहाने से कुछ नहीं मिलने वाला। देखो, नहीं नहीं जाइए, ड्रामा कहीं और जाके कीजिए। एक मिनट, कहीं माँ के साथ मिलकर कोई नई स्कीम तो नहीं बनाई आप लोगों ने? मगरमच्छ के आंसू नहीं है बेटा, हमको बहुत दुख है और पछतावा भी है। तुम और तुम्हारा प्यार सही था, हम गलत थे, तुम्हारा साथ नहीं दिए। बहुत अच्छे। एक बात बताऊं, आप यहां अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो मुंबई में होना चाहिए। क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, वहां नाम भी मिलेगा, वाहवाही मिलेगी और लोग पैसे भी देंगे। या माँ के पीछे दो मिलाने से क्या मिलता? अपना भगीना मामा कहने से इनकार कर दिया, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? जहां रहना खुश रहना, ठीक है ना? बुरा मत समझना आपको। और हाँ, मामा मत कहना हमको अब, जब तक तुमको और मेघा को मिलवा न दे, मामा मत कहना। Thank you.
हमेशा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, विश्वास करो। जरूरत पड़ा ना तो जान भी दे देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना? नमो नमो दुर्गे सुकन्नी, नमो नमो अम्बे दुखन्नी, निरंकार है ज्योतिमारी, त्यो लोक भली हुई यारी, शशिदा मुखमा विशाला, नेत्रार भक्ति बिंदाला, रूप मास का दुखता है, दरस प्रण्य दुखा है, तुम संसार शक्ति लेकिन ना पाले, ने कौन का नीना निकुमा वाले बोला, तो ऐडियार की दरी बोला, ले काल जमना जमना रे तुम दरी बोला। रावण नरसिंह बंबा हो गई, हो गई पूजा काल है। अरे गंदा भैया, अरे भोरे भोरे, आज तो हमारा जतरा बन गया। अरे आपका हाथ का पोनी होगा ना तो पूरा दिन कमाई भी बहुत बढ़िया होगा। दे, ज्यादा चमचे ही मत करो, 10,000 रुपया चाहिए अभी। भैया जी बोरे बोरे मजाक कर रहे हैं, अरे हमारा जैसा गरीब कृपा पर 10,000 कहाँ से आएगा जी? बनो यार है? तुमसे मजाक करेंगे भैया जी? हम कह रहे थे कि 10,000 रुपया हमारा पास कहाँ से आएगा, हम तो आपको जानते है ना कि छोटा मोटा धंधा करने वाला मरे। बोलने देते तो ज्यादा पटर पटर कर रहे हैं। कर रहे भाई जी का नाच हो रहा है। अरे साला लोग तुम लोग चलो चलो अपना काम करो साला। देख साला 4 घंटा का टाइम दे रहे हैं, 10,000 रुपये चाहिए। समझा? चल रहे 4 घंटा में आ रहे हैं, चलो गाड़ी स्टार्ट कर। अब हम 10,000 रुपया कहां से लाएंगे? अरे हम तो गरीब आदमी है, पान का छोटा मोटा धंधा करके कोनो तरह से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। हम घर वाली बीमार है, बड़का डॉक्टर को दिखाने तक का पैसा नहीं हमारे पास, तो इतना पैसा हम कहां से लाएंगे मालिक? सरकार हम तो आपके क्षेत्र छाए में जी रहे हैं, हमारा बड़का भाई बैजू भी आपका पुराना वफादार रहा है, पर हमारे दादाजी साथ जुलम क्या हो रहा है? जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो बिंदा भैया पान की दुकान में पैसा लेने पहुंच गएंगे भैया जी। चलो रो रो गाओ मत, चलो चलो तुम रो मत, रो मत, चलो उठो अब, आओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ए ए भोला हम चलते हैं, हम देखते हैं, तुम घबराओ मत, हम बतियाते हैं, चलो। ए वो जो जंगल पूरा लगा है उसको भी साफ करवा देना। भैया एकदम स्पेशल लस्सी आपके लिए। धंधा कैसा चल रहा है जी? धंधा तो बहुत खराब चल रहा है भैया जी, आप तो देखिए रहे हैं, उधर गांव में बाढ़ आ गया, फसल एकदम चौपट हो गया, बेटा को मलेरिया हो गया, बीबी को फलेरिया हो गया, मतलब पाँव भारी हो गया, मतलब कि पेट से। भैया जी आप तो दाता दानी आदमी, दानवीन कर दीजिए सर, कुछ 2-4 हज़ार की मदद कीजिए भैया जी। अपना ठिकाने नहीं हो रहा है पैसा का। भैया जी टाइम बहुत हो गया, भुलवा का साला अभी तक पता ही नहीं चला, भागो तो नहीं क्या? ना आ देगा, आज उसको छोड़िएगा मत, हाँ तो लइए के जाएंगे। ठीक है भागेगा का? भैया जी पता है ना, चल भैया आ रहा है, चल रहा है ना दुकान पानी आ रहा है। अरे अरे भैया जी तो भुलवा साला बड़ा चलाक निकला, का पुत्तन भैया को साथ लेके आ रहा है, तुरवा आ रहा है। चल चल जाओ खोलो दुकान। को साथ लेके आए कि तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा? क्या कर रहे हो भाई, गरीब आदमी पे क्या जुलूम उठा रहे हो? कहाँ से लाके देगा 10,000 रुपये? अरे वाह, बड़ा गांधीवादी विचार में आ गए हैं भाई, बड़ा तुमको आज गरीब लग रहा होगा, सुधारवादी आंदोलन चला रहे हो का? एक बात सुन लो, आज हमको पैसा चाहिए चाहे जैसे भी, कोई साला नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। जाओ क्या कर रहे हो, इज्जत का धज्जी उड़ा लो चौराहे पे, यहाँ पे हैं पगला गए हो? लगाए दीदी को फोन। चल फोन कहा? दीदी को फोन लगा लगा। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे यहाँ भी बकरिया सचिन खोल देंगे तो कितना दूध के धुले हुए हो? ये बात हम भी बता दें, धमकी दे रहे हैं हमको, जो समझ में आए समझो। जा
जाओ जाओ काम करो अपना जाओ। भगवान का मूर्ति बता रहे आज शाम तक का समय दे रहे हैं बेटा पैसा चाहिए बहुत दे दिया टाइम चले चल चल अरे बेटा इंदर जी अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। तैयार कहाँ जाने के लिए? अरे आज विजयकांत के घर जाना है लड़की देखने की रस्म अदायगी करने। बाबूजी अब मैं उस लड़की को देख के क्या करूंगा सारी दुनिया ने तुझे पहले ही देख लिया। बकवास मत करो बेटा ये शगुन होता है इसमें लड़की देखने के बहाने लड़के का बाप वहां जाकर अपनी होने वाली बहू को कुछ न कुछ उपहार देता है जिसे लड़की बड़ी संजो कर रखती है। बाबूजी आपको तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा ना कि आप इतने बड़े घर में समधी बनने जा रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उस लड़की को अपनी धर्म पत्नी बनाने में मुझे जरा से भी खुशी नहीं है। बेटा होने को हम चाह कभी नहीं टाल सकते और इस पे बहस करने से कोई फायदा नहीं। जा जाके जल्दी तैयार हो जा मैंने शिवों को बोल दिया है वो अब आता ही होगा तुम भी जाके जल्दी तैयार हो जा। मालकिनी मेघा दीदी उठे के तैयार ना आई है कहत इनके हमरे ब्याह नहीं करे क्यों हम कितना समझे ली मगर कुछ समझे के तैयारी नहीं है अब हम का करी बाबा और विजय भैया हमें के तैयार करवाए के कहलन है। तोरा क्या कहलन है काहे? वो निशा भाभी बाहर गेलिन एगो मीटिंग खातिर। ठीक बा तू जो हम देखा तानी। मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मुझे ये शादी नहीं करनी है मुझे किसी भी रस्म का कोई हिस्सा नहीं बनना है। देखा बेटी जिद मत करा तू ही समझा कि जे सब हो रहल बा वो तोरा भलाई के खातिर हो रहल बा। अरे शादी ब्याह तो ऊपरे से तय होके आवेला अब तोहार किस्मत में ये लिखल बा तो कोई का कर सकेला। नहीं माँ ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा था बल्कि आप सब लोगों ने मिलकर मेरी ये किस्मत बनाई है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी और मैं नहीं मानूंगी इन सब चीजों को। देख मेघा कमान से तीर निकल जाला तो फिर लौट के ना आवेला वैसे ही शादी ब्याह जब एक बार तय हो जाला तो फिर उकरा निभाही के पड़ेला। मेघा मैं ये शादी नहीं करूंगी और मैं किसी भी रस्म का कोई हिस्सा नहीं बनूंगी अब जिद मत कीजिए ना माँ। हम तो मौन व्रत रख ले रही बाकी का करें घर में ऐसा जिद्दी लड़की होके तो मुंह खोले के पड़े। दुल्हन ये समझावा अपन बेटी के चुपचाप से जाके तैयार होके ना तो समझ ले फिर का हुई किसी आवल बाग लेकर विजयकांत आई और फिर एगो नया बवाल खड़ा हो जाइए घर में। ये लड़की जनते बूझते का ही आफत बुला रहे भी अपना सिर पर। ए बबुनी चला चुपचाप से उठ के तैयार होके होके चाहे कि नहीं है चला शांति से रस्म रिवाज के पूरा करा। और एगो बात कान खोल के सुन ले वो लोग के सामने अगर कोई तमाशा खड़े कर ले तो फिर विजयकांत आज तोरा जिंदा ना छोड़ी। दीदी जी ठीक कहा तारी मेघा
देख हमने खिचायत की अब कोई घर में नया तमाशा शुरू हो गया। अरे शुभ काम शुभ शुभ होके के चाहिए। चलो बेटी चल के तैयार हो जा। अब चला जल्दी करा चला जल्दी करा भाई। नाश्ता का इंतजाम हो गया ना? हाँ बस सब तैयार। ले ये चादर इधर बिछाना। भवानी क्या है? सफाई करवाओ ठीक से। ठीक से बिछा रहे चादर छान के। सब इंतजाम तो हो गया? वो तो हो गया विजय, बाकी मेघा को लेकर हमारे मन में शंका को शंका हो रहा है। लड़का वाला लोग आप उसको लेके तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम उसको बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं, अब वो कोई उल्टा सीधा हरकत नहीं करेगी। अब तक हमारा अंदाज बहुत बढ़िया से समझ चुकी है कमरा में। भैजू पान वाला का भाई बोला है वो। आप ही व्यस्त हैं। भैया बोल रहा है कि आपसे कोई अर्जेंट काम है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। अर्जेंट काम बोला? क्या बात है भोला भाई, सब काम के मौका पर काय ऐसा रोनी सूरत लेके आए हो? क्या हुआ है मुंह पे? क्या बताएं भैया जी, सारा जुल्म तो गरीब और कमजोर आदमी पर ही होता है। अरे हुआ काय सो तो कहो। जो बिंदा है ना बब्बा लाल का सार, हमसे रंगदारी मांग रहा है 10,000 रुपया। बहुत मारा बेटा और धमकी दे के गया, अगर शाम तक हम उसको 10,000 रुपया नहीं दिए तो हमारा जान दे देगा। भैया जी हम डरे गरीब गुरबा आदमी, रोज खाने कमाने वाला, अरे कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 10,000 मांगा है तुमसे? अरे हमारे जैसे गरीब और कमजोर आदमी का माई बाप आप ही लोग तो है, आप ही लोगों की कृपा पे ही तो हम अभी तक घर दुकान चलाते आए हैं। जिंदा है आप लोगन के रहम पे, हम आपकी शरण में आए, हम कहाँ जाए किसके पास जाएगा भैया? हाँ बस 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 बस। अरे आप ही तो है जो हमको बिंदा से बचा सकते हैं। बचाएंगे चुप। हमको बचा लेजे भैया जी, हमको बचा लेजे, नहीं तो बिंदा मार डालेगा। तो बिंदा शाम को आने वाला है ना पैसा लेने? हाँ भैया जी। ठीक है आने दो उसको, तुम निश्चिंत हो गए फोन बंद कर रहे, तुम निश्चिंत होके घर जाओ, इस बार बिंदा का स्वागत हमारा आदमी सब करेगा पूरा फूल माला के साथ। ले भवानी देख लिया। कहीं बिंदा को पता लग गया तो? अरे फिर लगे तुम अपना गाना गाने, एक बार कहा ना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं था, फिर बस वो बिंदा जब आता दिखाई दे तो एक फोन घुमा देना, फिर देखना क्या इलाज होता है उसका। टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना इंतजाम। सुन बोला बाबा, ये भैया जी को डिस्टर्ब मत करना, हमको फोन कर देना, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास। चल 10,000 रुपया चाहिए बिंदा को, हलवा है खाने का, कब से खा लेंगे? बाबा विजयकांत भैया बोल दिए हैं शाम को सब फरी आ जाए। अरे अरे साले अरे इधर आ इधर आ। बिंदा भैया देर चल चल गया कि चलवा में हम? भैया वो साला अपने बाप के पास गया था मेरा गुणगान करने। भैया नहीं भैया वो बात नहीं है भैया, उनको तो लगा ना कि कुछ नहीं हो पाएगा ना। भैया वो बात नहीं है, देवी देवता मिल गया था ना। तुमको सलाम को चला जाओ, चला 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 मारा जेल को सुनाओ साला, देखते हैं साला बिंदा का कौन बिगाड़ेगा। हम सही मर जाएंगे भैया, हमने बहुत बड़ा गलती कर दी। कमांड
ए तमाशा हो रहा है इधर, चलो हम अपने बच्चे का कसम खाते हैं भैया, हमको बस दो घंटे का। अरे साला जा रहे हैं घर, 10,000 रुपया लेके आते भैया। सामान है और जगह पर पहुंचवाइए, ठीक है? ससुराल आराम से आइए। क्या क्या लटका है, जरा मुस्कुरा दो हल्का सा। बाहुबलियों का घर है भाई, जरा ढंग से भीतर चलिए। कितना सुंदर लग रहा है भैया, एकदम गुड़िया जैसा। एकरा के सजल धजल देख के मन खुश हो गया हमार। ए बबुनी, अरे चला उठा, लड़का वाला आ गए बा, लड़की देखा कर रसम पूरा करे के वास्ते। चला हमरे साथे आवा, चला हमरे साथे। मेघा चला उठा, जब वो लोग आ गए बा तो हमने के ए बबुनी, तनी कृपा करा हमनी पर। अब वो लोग के सामने सुखायल चुहाड़ा जैसा मुंह बना के मत खड़ा रहिया। अरे सुख सुख के मौके पर लड़की के चेहरे पर हंसी खुशी रहे के चाहिए। वो लोग के सामने चेहरा पर बारा मत बजाइया। घर के नाक तो कटाई में चुकल बाड़ू अपन करनी से। अब पाचल खुचल इज्जत के तो सही सलामत रह दिया। चला चला आवा हमरे साथ। मेघा, ये जो कुछ हो रहा बा तोहरे की जिंदगी खातिर ही हो रहा बा। अरे हमने के तो बस ये इच्छा बा कि तोहर घर बढ़िया से बस जाओ और तू अपना ससुराल में हंसी। अब तोहर किस्मत में ये लिखल बा दल सकेला ना, ठाकुर जी जे करिए बढ़िया कर। चला आवा हमरे साथे, चला आवा हमरे साथे। अब अरे चला ना मेघा, चला चला हमरे साथ। चलो बेटी आओ। यजमान जी देखिए, क्या बोली? कह रही है खाना बनाना नहीं आता है। अच्छा वो कहा है ना बेटा कि अब ये तो मैल दुमैल में पली बड़ी बिटिया है, विदेश में पड़ी है, यही से खाना बनाना नहीं जानती है। अब बिया हो जाएगा वो जान जाएगी। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब महलो हलो में रहने वाली अब कहाँ ये सब खाना पीना के चक्कर में पड़ी है, अब पढ़ने लिखने वाली है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत उक्कत तो और ऐसी है नहीं जजमान? लीजिए जजमान, अब तो आपको साक्षात सर्वगुण संपन्न बहु मिल रही है। अब और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अपनी तरफ से। नहीं पढ़नी। अच्छा तो अब ये ले बिटिया, लो Thank you.
अरे तुम्हारे हाथ में कहूँ मेहंदी लगा हुआ है का? सब शाम ठीक से ना संभालना चाहिए। का है ना रिजमान जी की हो जाता है ऐसा कभी। और आप देखिए गिफ्ट भी इतना ढेर सारा लाए थे, अब सुकुमार हाथ बच्ची का तो गिर गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो बेटा अब आपकी कागज पकड़ना ठीक है। आवश्यकता नहीं, भगवान चाहेंगे तो सब कुशल मंगल होगा। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन बातों को समझता हूँ। आप तो खुद इतने विद्वान है। आगे के कार्यक्रम की तिथि आपको बता दी जाएगी। नाश्ता कीजिए। अरे हम कौन पास करने वाले जो सूप के दिन सूप के बच्चे बेकिंग के पड़ रहा था। अरे हम तो भगवान है मालिक बारे नहीं करके।